नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि 1993 का एक्ट देख चुके हैं, मानवाधिकार अधिनियम 1993, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में। याद रखिए, MPPSC में अगर ये तीन अधिकार आपने अच्छे से पढ़ लिए तो कम से कम 30 से 35% प्री क्यूपेशन कवर हो जाएंगे इससे। ठीक, 30 से 35, कभी 17-18, कभी 23 क्वेश्चन तक पूछ लिए गए हैं पिछले परीक्षाओं में। तो अब इसमें करके जाइए, जितने आए उतना भी सही है। तो अब बात करते हैं, लास्ट है हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो अधिनियम के प्रमुख तथ्य देखते हैं। पहले यह अधिनियम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 कहलाता था। इस अधिनियम का क्रमांक 1955 का 22 है। इसका प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1970 को दो भाषाओं में आया था। फिर 19 नवंबर 1976 से इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो गया। राष्ट्रपति ने इसे अनुमति दी 8 मई 1955 को। इसका द्वितीय संस्करण आया 1 जून 1977 को। तो याद रखिए, इसे राष्ट्रपति ने सहमति कब दी, 1955 में, 8 मई 1955। अब इसकी धाराओं की बात करते हैं, इसमें 17 धाराएं हैं। तो धाराओं के अंतर्गत अधिनियम का विवरण देखते हैं। धारा 1, इस अधिनियम का नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है। यह संपूर्ण भारत में लागू है। कब से, 1 जून 1955 से, 1 जून 1955 से संपूर्ण भारत में लागू है, याद रखें। फिर धारा 2 में परिभाषाएं। सिविल अधिकार वह अधिकार हैं जो अस्पृश्यता निवारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित हैं। होटल, तंबू, जलयान, मनोरंजन स्थल, धर्मशाला, भोजनालय आदि स्थान जो इस अधिनियम में माने गए हैं। अनुसूचित जाति कारत अनुच्छेद 366 खंड 25-26 में बताए गए हैं। फिर धारा 3, धार्मिक नियोक्ताओं के लिए दंड। धारा 3 में धार्मिक नियोक्ताओं के लिए दंड, अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी को पूजा स्थान में एक धर्म का होते हुए भी जाने से रोकता है, या किसी पूजा स्थल पर प्रार्थना से रोकता है, या किसी पुनीत तालाब, जल स्रोत या कुएं में स्थान से रोकता है जो धार्मिक हो, तो उपयुक्त रोकने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 माह और अधिकतम 6 माह की सजा और जुर्माना होगा 100 से 500 रुपये। इस अधिनियम में जैन, बौद्ध, सिख, ब्रह्म समाज, आय समाज, प्रार्थना समाज को हिंदू माना गया है, याद रखिए। फिर धारा 4, सामाजिक नियोक्ताओं के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति निम्न प्रकार से अस्पृश्यता का अपराध करता है तो उसे 1 से 6 माह तक का कारावास और 100 से 500 रुपये जुर्माना होगा। कौन कौन से, किसी दुकान, होटल या भोजनालय आदि का उपयोग करने से रोकना, लोक उपयोग की वस्तुओं का उपयोग उपभोग से रोकना, किसी पेशा व्यापार या रोजगार से रोकना, किसी जल स्रोत, शमशान या कब्रिस्तान, शौचालय, सड़क का उपयोग करने से रोकना, किसी ट्रस्ट का उपयोग करने से रोकना, सार्वजनिक सवारी का उपयोग करने से रोकना, किसी क्षेत्र में निवास निर्माण अर्जन आदि से रोकना, धर्मशाला सराय आदि से रोकना, किसी रिवाज आभूषण आदि के उपयोग से रोकना। ठीक है, फिर धारा 5। तो धारा 5 में दिया गया अस्पताल आदि में दाखिले से मना करना। जो व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी को अस्पताल, कॉलेज, स्कूल आदि में दाखिले से रोकता है और दाखिले के बाद भेदभाव करेगा तो उसे 1 माह से 6 माह कारावास और 100 से 500 रुपये जुर्माना होगा। धारा 6, माल बेचने या सेवा से मना करना। धारा 6 में जो व्यक्ति किसी को अस्पृश्यता के आधार पर माल बेचने और सेवा देने से मना करेगा उसे 1 से 6 माह तक की सज़ा और 100 से 500 रुपये जुर्माना आर्थिक दंड होगा। फिर धारा 7, अस्पृश्यता जनित अपराध। किसी भी व्यक्ति को 1 से 6 माह का कारावास और 100 से 500 रुपये अर्थदंड होगा अगर उसने किसी व्यक्ति की को अनुच्छेद 17 के अधिकारों से रोका हो, अनुच्छेद 17 के अधिकारों के उपयोग के कारण घायल किया हो या बहिष्कार किया हो या रोका हो,
शब्दों से लिखित में या चित्र से मुद्रा से आदि से अस्पष्टता का उपयोग किया हो। नोट, अगर किसी व्यक्ति ने अनुच्छेद 17 के अधिकारों का उपयोग किया है और इस कारण दूसरा व्यक्ति बदला लेने के लिए अपराध करता है तो अपराधी को कम से कम 2 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना होगा, याद रखिए। फिर है धारा 7A। कोई भी व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी को झाड़ू लगाने, सफाई करने, जानवर का शव उठाने, जानवर की खाल खींचने एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए बाध्य करेगा तो उसे 3 से 6 माह की सजा और 100 से 500 रुपये का अर्थदंड होगा। फिर है धारा 8। जो व्यक्ति की इस अधिनियम में दोषी सिद्ध होता है और वह अपराध में लिप्त व्यापार वित्तीय आदि की अनुज्ञप्ति कर रखता है तो उसका लाइसेंस रद्द या निलंबित हो सकता है। फिर है धारा 9। किसी न्यास या संस्था जिसे सरकार से अनुदान प्राप्त का प्रबंधन या न्यासी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो तो उसे सरकार उस अनुदान या उसके भाग को निलंबित या पुनर्ग्रहण कर सकती है। फिर है धारा हमारी 10। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम में किसी अपराध का दुष्प्रचरण करता है तो उसे भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा। धारा 10A, सामूहिक जुर्माना। यदि राज्य शासन यह पाता है कि किसी क्षेत्र के व्यक्ति अपराध उसके दुष्प्रेरण या किसी भी रूप से अपराध में सहायक है तो राज्य सरकार राज्य शासन उक्त व्यक्तियों पर सामूहिक जुर्माना लगा सकता है। उस व्यक्ति का विभाजन समय आदि का निर्णय लेता है। अगली पर सरकार को उस क्षेत्र में ढोल पीट कर या अन्य प्रकार से सूचना देनी होगी। कोई भी व्यक्ति चाहे तो सक्षम अधिकारी के समक्ष जुर्माने में माफ़ी आदि के लिए अर्जी लगा सकता है। फिर है धारा 11, पश्चातवर्ती दोषों। कोई व्यक्ति फिर से अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है, एक बार कर चुका है और अगर दोबारा भी करता है तो दूसरे अपराध पर 6 से 12 माह की सजा उसे और 100 से 500 रुपये जुर्माना, तीसरे अपराध के लिए उसे 1 से 2 वर्ष तक की सजा, 500 से 1000 रुपये जुर्माना। फिर है धारा 12, न्यायालय द्वारा उपधारणा। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है तो न्यायालय मानकर चलेगा कि यह अस्पष्टता जनित अपराध है। फिर है धारा 13। कोई भी सिविल कोर्ट ऐसा कोई भी वाद ग्रहण नहीं करेगा जिसके आदेश से इस अधिनियम के विरुद्ध कार्य होगा। कोई भी न्यायालय किसी भी बात के निर्णय में अस्पष्टता के आधार पर नियोग्यता लागू करने वाली प्रथा को मान्यता नहीं देगा। फिर है धारा 14, कंपनी द्वारा अपराध। अगर इस अधिनियम में अपराध किया गया व्यक्ति कंपनी है तो हर ऐसा व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के लिए उत्तरदायी है अभियुक्त होगा। परंतु कोई भी व्यक्ति यह सिद्ध करता है कि उसे अपराध की जानकारी नहीं थी तो वह बच सकता है। अगर अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से किया गया है तो अधिकारी भी दोषी होगा। अगली धारा है कौन सी, 14A, सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई। यदि कोई सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है तो सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस अधिनियम के पालन में सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के कारण हुए नुकसान के लिए शासन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर है धारा 15, अपराध संज्ञेय। इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा भले वह CRPC में असंज्ञेय हो। मतलब इस अधिनियम में CRPC जैसा संज्ञेय और असंज्ञेय नहीं होगा। संज्ञेय अपराध वह होता है जिसमें पुलिस बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस अधिनियम में 3 माह तक सजा वाले अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और 3 माह से ऊपर वाले अपराध को विशेष न्यायालय सुनेगा, ठीक है। फिर है आगे, यदि किसी लोक सेवक द्वारा इस अधिनियम में दुष्प्रेरण का अपराध किया है तो अपने पदीय वक्तव्यों को पालन करते हुए तो कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान, अगर राज्य शासन कर्मचारी है तो राज्य शासन की मंजूरी के बिना नहीं कर सकता, अगर केंद्र सरकार का शासन का अधिकारी है तो केंद्र शासन की मंजूरी के बिना नहीं कर सकता है। फिर है धारा 15A, शासन का कर्तव्य। अगर एक बार केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में कोई नियम बना दिया तो उसका लागू राज्य सरकारों को करना पड़ेगा।
इसमें निम्न शामिल हैं: पीड़ित को सुविधाएं, न्यायिक मदद, अन्य मदद, राज्य शासन देगा। अधिनियम के अंतर्गत लागू नियमों को लागू करवाने के लिए राज्य शासन विवेचना आदि के लिए अधिकारी नियुक्त करेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय राज्य गठित करेगा। राज्य शासन की सहायता के लिए समितियों की स्थापना, जो उपाय आदि बताए, राज्य शासन नियुक्त करेगा। राज्य शासन के समय पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण करवाएगा। उस स्थानों को राज्य शासन निर्धारित करेगा जहां पर अस्पष्टता जनित अपराध करवाएगा। तीसरी, केंद्र सरकार राज्य सरकार से किए गए उपायों के समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। केंद्र शासन हर वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष स्वयं एवं राज्यों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, फिर है धारा हमारी कौन सी, 16। कौन सी है? 16। यह अधिनियम तब विशेष उपबंध ना हो, हर अधिनियम एवं कानून से ऊपर रहेगा। फिर है धारा 16 ए, अपराध परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है। और फिर है धारा 16 बी, नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार को केंद्र शासन राज्य में राजपत्र में अधिसूचना जारी इस अधिनियम में नियम बना सकती है। इस अधिनियम में बनाया गया हर नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। अगर इस समय सीमा में दोनों सदन किसी नियम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह परिवर्तन हो जाएगा। दोनों सदन चाहें तो नियम को निष्प्रभाव भी कर सकते हैं। और 17 धारा 17 में है निरसन। ठीक है, निरसन आपको बता दें कि हम लोगों ने जो MP स्पेशल के लिए जो टॉपिक शुरू किए थे, सिलेक्ट किए थे, वो सभी आज तक समाप्त हो गए हैं। कुछ अभ्यासगत प्रश्न बचे हुए हैं MPPSC के लिए, कुछ प्रश्न बचे हुए हैं जिन्हें देखना है, वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो एक बुक्स ली थी वो ख़त्म हो गई है, पूरे चैप्टर देख लिए, हर चैप्टर। ठीक है, तो इसे यहीं रोकते हैं।